हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज हम बनाने वाले हैं मावे वाले खाजे। तो आइए देखते कैसा बनता है। तो खाजे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका एक डो तैयार कर लेंगे। तो ये मैदा है 1.5 कप। इसमें मैं एक चुटकी नमक डाल रही हूँ और हम यहाँ पर 4 से 5 बड़े चम्मच घी डालेंगे। मेरा चम्मच छोटा है तो मैंने 8 से 10 चम्मच डाली थी। आप बड़े 4 से 5 चम्मच लेके ऐड करना, घी ऐड करना है इसमें, और अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है। और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम एक टाइट डो बना लेंगे। ये डो बहुत ज़्यादा नरम नहीं होता है और हम इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। और फिर इसके अंदर की हम फिलिंग बनाएंगे। तो फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैं 100 ग्राम मावा ले रही हूँ। ये मावा हमें दूध की दुकान पे आसानी से मिल जाता है। और इसमें हम 4 टेबलस्पून शक्कर डालेंगे। ये चम्मच में भर के ले रही हूँ, 4 चम्मच भर कर, और आधा चम्मच इलायची पाउडर और थोड़े से ज़ाफ़रान, और ये नारियल है, ये ड्राई कोकोनट है, थोड़ा सा नारियल ऐड करेंगे 2-3 चम्मच जितना। और ये ड्राई फ्रूट्स है, ये भी हम 3 से 4 चम्मच ऐड करेंगे। और हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका भी हम एक डो जैसा बना लेंगे। तो यहाँ हमारा डो बन चुका है। तो हम इसके अब छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। यहाँ पर इतने मसाले मावे के अंदर, इतने मावे के अंदर 8 बॉल्स बनेंगे हमारे। तो यहाँ पर मैंने 8 बॉल्स बना के रेडी कर दी हूँ। इसे हम अब साइड पे रख देंगे और वापस से हम हमारे डो को चेक करेंगे। तो यहाँ डो हमारा थोड़ा 15 मिनट के बाद सॉफ्ट हुआ। और इसके भी हम 6 पेड़े बना लेंगे। हमें बिल्कुल सेम साइज़ के पेड़े बनाना है सब। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक पेड़ा ले लूँगी, इसमें मैं ऑरेंज फूड कलर ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मैं वापस से मिक्स कर लूँगी ताकि कलर पूरा हमारे आटे में लग जाए। तो एक पेड़ा मेरा ऑरेंज कलर का बना है। फिर मैंने दूसरा पेड़ा यहाँ पर ली, उसमें मैंने ग्रीन फूड कलर ऐड करके उसे अच्छे से मिक्स करके वापस से एक पेड़ा बना ली। अब ये दोनों को हम साइड पर रखेंगे और यहाँ पर हम एक कॉर्नफ्लावर का पेस्ट बना लेंगे घी के साथ में। तो 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर में 7 चम्मच घी गए, छोटे वाले, अगर बड़े वाले चम्मच हो तो वही 3 बड़े चम्मच जाएंगे। अब हम एक एक पेड़े को बेल देंगे रोटी की जैसे। तो हम सबसे पहले सारी वाइट वाली रोटियाँ बेल लेंगे ताकि हमारे जो पटला है उस पर कलर वाले पेड़े का कलर नहीं लगे। तो यहाँ पर मैंने 4 रोटी बेल के रख दी थी और लास्ट में मैंने ऑरेंज वाली और ग्रीन वाली बेली। तो अब हमारी सारी रोटियाँ तैयार हो चुकी हैं। हम एक एक रोटी लेंगे, उसके ऊपर जो कॉर्नफ्लावर और घी का मिक्सचर था वो लगाएंगे
और ऊपर से थोड़ा सा सूखा आटा। फिर एक वाइट रोटी के ऊपर हम एक ऑरेंज रोटी रखेंगे, फिर से वही पेस्ट लगाएंगे और सूखा आटा, फिर वाइट वाली रोटी। ऐसी हमें सारी रोटियों को एक के बाद एक करना है, सारों पर पेस्ट लगाना है और सूखा आटा और एक एक करके रोटी रखनी है। तो पहले एक वाइट रोटी, फिर ऑरेंज रोटी, फिर दो वाइट वाली रोटी, फिर से पेस्ट और सूखा आटा, फिर ग्रीन वाली रोटी, फिर से पेस्ट लगाएंगे और सूखा आटा डालकर हम वापस से एक लास्ट वाली जो रोटी बची है वो रखेंगे इसके ऊपर। तो इस तरह हमने 6 रोटी की लेयर्स बना ली एक के ऊपर एक। अब हम इसे अच्छे से रोल करेंगे, हमें बहुत ज़्यादा टाइट रोल नहीं करना है इसको, वरना हमारे जो रोटी के लेयर्स है सारी आपस में स्टिक हो जाएंगी और फिर वो खुलेगी नहीं। तो हमने जितने बॉल्स बनाए थे मावे के उतने हिसाब से हम रोटियां पेड़े कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 8 पेड़े कट कर ली हूँ, तो आप देख सकते हो किस तरह से ये दिख रहे कट होने के बाद। अब हम इसे फ्लैट करेंगे हल्के हाथ से और एक छोटी पूरी की साइज़ में बेल लेंगे, बिल्कुल इस तरह छोटी। फिर हमने जो बॉल बनाए थे मावा का फिलिंग वो हम बीच में रखेंगे और उसे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह हम सारे 8 रूट पेड़ों को बना लेंगे। तो हमारे ये बॉल्स खाजा बन के रेडी है, तो हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक वोक में तेल गरम करी हूँ और हमें बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करना है वरना अंदर से हमारा आटा कच्चा रह जाएगा। तो हमें स्लो मीडियम पे इसे करना है। तो इसे फ्राई होने में 8 से 10 मिनट लगे। तो आप देख सकते हो ये रेडी हो चुके हैं, हमें बिल्कुल इसी तरह गोल्डन ब्राउन कलर होने पर इसे निकाल लेना है। अब हम इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। अब मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ अंदर से कैसा लगता है। तो देखिए ये हमारे अंदर से जो दिख रहा है वो मावे की फिलिंग है, ऊपर से हमारी खाजे का जो पूरी है वो भी एकदम खस्ता बनी है। तो ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। थैंक यू।